सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अभी रिसेंटली वाराणसी में जो G20 का कल्चरल समिट हुआ, जिसमें 29 कंट्रीज से 40 म्यूजिशियंस थे अलग-अलग, और मुझे गुजरात से ये वाद्य सारंगी वादक के तौर पे बुलाया गया। इस पूरा जो म्यूज़िक जिन्होंने बनाया था, सौरेंद्रो एंड सौम्यजीत फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, और हम शायद 150 मोर देन 150 से 200 म्यूजिशियंस हम लोग स्टेज पे थे। तो ये मेरे लिए बहुत एक अविस्मरणीय पल था, एक मेरे लिए बहुत ही यादगार। मेरा सौभाग्य कि मुझे G20 की इतनी बड़ी इवेंट में अपना एक छोटा सा योगदान देने का मुझे ये अवसर मिला। और सारंगी एक लुप्त होने वाला वाद्य है, अभी सारंगी वाद्य बहुत लुप्त हो रहा है, और मैं इसकी बीइंग ए सारंगी प्लेयर, मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि जो अभी G20 का इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है, उसमें सारंगी जैसे वाद्य और काफ़ी गुजरात का लोक संगीत भी उसमें शामिल किया गया है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। सारंगी वैसे एक फोक ट्रेडिशन से आता है, और बहुत अलग अलग प्रकार की सारंगी होती है। राजस्थान की सारंगी अलग है, गुजरात की सारंगी अलग है, नेपाल और काफ़ी भारत के जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रदेश है, उसमें अलग अलग प्रकार की फोक सारंगी बजाई जाती है। जो अभी आप सारंगी देख रहे हैं, जो मैं बजा रहा हूँ, ये सारंगी का एक मॉडिफाइड वर्जन, जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित सारंगी का प्रकार कोई है तो ये है। ये शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत में और अलग अलग काफ़ी म्यूजिकल जॉनर में इसका प्रयोग किया जाता है। संगीत एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो पूरे विश्व को एक दूसरे के, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे से वो जोड़ती है। और जैसे मैंने अभी बताया कि वाराणसी में जो प्रोग्राम हुए, वो प्रोग्राम में इतने अलग अलग देशों से सभी म्यूजिशियंस आए थे, और उसमें सारंगी के साथ साथ बहुत जो आपने बताया लुप्त होते हो रहे जो वाद्य है, जैसे सुरबहार है, सरोद है, सितार है, और ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारी कला, हमारी संस्कृति का जो एक इट्स अ सिंबल ऑफ आवर कल्चर एंड कम्युनिटी, अब हमारे कल्चर का, तो ये सब वाद्यों, ये सब शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत को लेके प्रधानमंत्री जी ये इतना संगीत के बारे में, कला के बारे में सोच रहे, हमारी पूरी कलाकार कला जगत के लिए हमारे बहुत ही ये गर्व की बात है। हम दिल से उनका आभारी है। और इसी तरह जब ये वाद्य ऐसे लुप्त हो रहे वाद्य यंग जनरेशन में उसको अपनाएगी, तो हमारा संगीत और भी आगे जाएगा, और पूरे विश्व में ये संगीत एक बहुत अच्छा मैसेज सब तक पहुंचा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक जो विजन है, हमारी भारतीय कला संस्कृति को एक वैश्विक स्तर पे उसको प्रस्तुत करने की, ये हमारे कला जगत के सभी कलाकारों के लिए, सभी कला साधकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। हम बहुत ही गर्व की बात है कि सारंगी जैसे लुप्त हो रहे साज को, जब जो दिल्ली में इवेंट हो जा रहा है, उसमें सभी डेलीगेट्स के साथ सामने जब इसको प्रस्तुत किया जाएगा, इसको हमारी कला को जब उनका उसका परफॉर्मेंस होगा, तो उससे काफ़ी वैश्विक स्तर पे हमारी कला का प्रदर्शन हो सकता है, और इससे जो हमारा इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री को काफ़ी इससे बूस्ट मिलेगा, और ये संगीत आने वाले कई कई सालों तक काफ़ी यंग जनरेशन और वैश्विक स्तर पर हमेशा गूंजता रहेगा। अपना मलक।